नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। तस्वीरों में दिख रहे मासूम का नाम है कनव। महज 18 महीने की उम्र में कनव को एक जेनेटिक बीमारी है जिसका नाम SMA है, जो दुनिया भर में 10,000 बच्चों में से एक को होती है और हमारे देश में ये बीमारी सिर्फ 9 लोगों को है, जिनमें से कनव एक है। SMA एक ऐसी बीमारी है जिसके शिकार बच्चे अपनी मांसपेशियों का उपयोग सही प्रकार से नहीं कर पाते, क्योंकि ये बीमारी उनकी रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स को खराब कर देती है। SMA जिस जीन की खराबी के कारण होता है, जोलजेनिस्मा इंजेक्शन उसे नए जीन से बदल देता है। ऐसा होने के बाद शरीर में दोबारा ये बीमारी नहीं होती, क्योंकि बच्चे के DNA में नया जीन शामिल हो जाता है। जोलजेनिस्मा इंजेक्शन की निर्माता कंपनी नोवार्टिस ने इसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए रखी है। वहीं मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले कनव के पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन खरीद सके। फिर उन्होंने मदद की गुहार लगाई, कभी लोगों से तो कभी नेताओं से। मदद भी मिली और आखिरकार कनव को ये इंजेक्शन लग गया और उसने इस बीमारी को मात दे दी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी कनव से मिलने पहुंचे हैं, जिसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है। केजरीवाल ने बताया कि कनव के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए धन जुटाया गया है। इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा ने पहल की थी। इसमें पार्टी के नेता, आम जनता और सेलिब्रिटीज ने भी पैसे दिए हैं। इससे 10.5 करोड़ रुपए जुटाए गए और अमेरिकी कंपनी ने भी इसमें सहयोग दिया और वो 10.5 करोड़ रुपए पर ही दवा बेचने पर सहमत हो गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पैसे दान किए, जिनमें कुछ मशहूर हस्तियां और सांसद भी शामिल हैं। जब पैदा हुए थे तो उनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। उस जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो उनके पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, वो खड़े नहीं हो सकते थे, उनके पैर काम नहीं करते थे और धीरे धीरे वो जो बीमारी है वो ऊपर शरीर पे जाने लग गई। उनका धीरे धीरे एब्डोमेन भी जो है वो भी लाइफलेस होने लग गया, बैठने में दिक्कत होने लग गई। जब इन्होंने खूब सारे टेस्ट चारों तरफ कराए तो पता चला कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर है और अगर 24 महीने के अंदर इलाज नहीं कराया गया तो धीरे धीरे ये बीमारी ऊपर चली जाएगी, लंग्स भी काम करना बंद कर देंगे और इनके लिए जान के लिए खतरा हो सकता है। तो इन्होंने चारों तरफ पता किया तो पता चला कि इसकी एक ही दवाई है, एक इंजेक्शन है जो कि अमेरिका से आएगा और वो 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, क्योंकि ये रेयर डिजीज़ है। इनका बताना है कि पूरे देश में अभी तक ऐसे 9 केस, भारत देश में अभी तक ऐसे 9 केस हुए हैं टोटल।